सो हे गाइस, काइनमास्टर का एक न्यू लेटेस्ट अपडेट आ चुका है 5.0 का। दोस्तों मैं कोई भी बाकी यूट्यूबर्स की तरह रिव्यू नहीं करने वाला कि इसमें ये फीचर ऐड हुआ, इसमें वो फीचर ऐड हुआ। दोस्तों आपकी फायदे की चीज़ लेके आया हूँ। अगर आपने भी काइनमास्टर को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रखा है तो उसमें वाटरमार्क ऑब्वियसली आ रहा होगा। अगर आपको उसको रिमूव करना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद 110% बोलता हूँ कि आप वाटरमार्क फ्री में रिमूव कर पाओगे, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको एक पैसा भी नहीं देना है। आपने जो काइनमास्टर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रखा होगा 5.0 वाला, आप उसका वाटरमार्क फ्री में रिमूव कर सकते हो और भी बड़ी चीजें यूज कर सकते हो, जैसे कि उसमें कलर एडजस्टमेंट कर सकते हो। आप अपनी पूरी फुल एडिटिंग करके बिना वाटरमार्क के जो आपने प्ले स्टोर से काइनमास्टर डाउनलोड कर रखा है वो एक्सपोर्ट कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, 4K में भी कर पाओगे, क्योंकि इसमें 4K का भी सपोर्ट मिल जाता है। ऑब्वियसली मिलेगा अगर आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रखा है तो। और दोस्तों आपने ये वीडियो बिना स्किप किए देखने, अगर आप स्किप करते हो एक भी स्टेप तो नहीं कर पाओगे। और दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है जो पोर्ट्रेट मोड में वीडियो बनाते हैं, जैसे कि रील्स वीडियो बनाते हैं या यूट्यूब शॉर्ट के लिए बनाते हैं। उनके लिए और भी ज़्यादा ईजी प्रोसेस हो जाएगा वाटरमार्क को रिमूव करने का। और जो यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं उनके लिए भी हो जाएगा, लेकिन उनके लिए थोड़ा अलग ट्रिक होगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कर लेना, ठीक है। और आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप जिस भी जगह पर रहते हो उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरी वीडियो कहां कहां देखी जा रही है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, आने वाली वीडियो में आपको और भी अलग अलग टाइप के काइनमास्टर मिलने वाले हैं। समझ रहे हो ना? हाँ वही बस, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। सो गाइस, हम यहाँ पे काइनमास्टर को ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हो हमारा जो काइनमास्टर है वो ओपन हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। यहाँ पे हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको स्पीड रैम्प का, वीडियो स्टेबलाइजर और ये बीट का ऑप्शन मिलता है। ये ऑप्शन ही सॉरी एप्लीकेशन है काइनमास्टर की, खुद की एप्लीकेशन है। अगर आप स्पीड रैम्प या वीडियो स्टेबलाइजर यूज़ करते हो, लेकिन अगर उसमें आपका वाटरमार्क आ रहा है, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लेना, आप रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा इंटरफेस चेंज है। तो हम यहाँ पे सीधा पॉइंट पे आते हैं, क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट पे आते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे समझने वाली बात है, जैसे कि हम कोई भी रेशो लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हम रील बनाते हैं या यूट्यूब शॉर्ट बनाते हैं तो वो पोर्ट्रेट मोड होता है। पोर्ट्रेट मोड का रेशो क्या होता है? 9:16 का, ठीक है। तो हम 9:16 वाला रेशो सेलेक्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पोर्ट्रेट वीडियो बना रहे हो तो आपको यहाँ पे 16:9 का रेशो सेलेक्ट करना है। आपको पोर्ट्रेट वीडियो को इसी में 16:9 के रेशो में आपको एडिट करना है। मैं आपको पूरा बताऊँगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखें, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं अपनी फेवरेट वीडियो ये वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ऊपर वाटरमार्क आ रहा है, लेकिन वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कर लेना, आपकी वीडियो की क्वालिटी भी नहीं कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम पहले क्या कर लेते हैं, इसको एज ए लेयर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया डुप्लीकेट एज ए लेयर, ठीक है। ये डुप्लीकेट एज ए लेयर आ गया हमारा। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एडिट करेंगे, जैसे कि हमारा जो मेन था कलर एडजस्टमेंट वाला, ठीक है। तो इस लेयर को अभी मैं नॉर्मली आपको करके बता रहा हूँ, आप परफेक्ट अपनी वीडियो को एडिट करना, ठीक है। यहाँ पे ब्राइटनेस को मैं थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ, कॉन्ट्रास्ट वगैरह मैं इसको इंक्रीज़ कर लेता हूँ, और ये कुछ टेम्परेचर यहाँ पे मैं ये कोल्ड वाला कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। दोस्तों ये भी आपको यूज़ करने के लिए पहले आपको प्रीमियम ख़रीदना पड़ता था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ख़रीदना नहीं पड़ेगा। और एक और प्रीमियम फीचर था यहाँ पे, कहाँ गया वो हमारा, शायद ऊपर यहाँ पे आ गया हमारा स्पीड वाला, जो आपको लेयर में नहीं मिलता और किसी काइनमास्टर में। तो यहाँ पे हम इसकी स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। और नीचे वाली की स्पीड भी इंक्रीज़ कर लेते हैं। आप दोनों की स्पीड इंक्रीज़ कर लो, इसको बराबर ले आओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्पीड भी इंक्रीज़ कर ली, जो प्रीमियम फीचर यूज़ कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, जो पेड हैं। तो यहाँ पे प्रीमियम आ गया हमारा ब्लाइंडर, ठीक है। यहाँ पे ब्लाइंडिंग आ गया, डार्क ये हो गया, यहाँ पे हम डार्क वाला ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको छोटा करके यहाँ पे इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। डार्क नहीं, और कोई सिलेक्ट करते हैं जो दिखे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये दिख रहा है, ये लाइट हो गया, लेकिन चलो चलेगा, ठीक है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ, यहाँ पे आप अपनी परफेक्ट एडिट कर लेना। दोस्तों ये तीन मेन चीज़ें थी जो आपको करने के लिए पैसे देने पड़ते थे काइनमास्टर को, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे मुझे 4K का भी ऑप्शन मिल जाता है। मे बी आपको 4K नहीं मिले, मैं यहाँ पे 4K में एडिट कर सकता हूँ इसको। तो यहाँ पे इसका जो रेजोल्यूशन आपको पूरा का पूरा हाई कर लेना है, ठीक है। तो मैं अभी मीडियम ही रखता हूँ, ठीक है, अभी इतना टाइम नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट होने में टाइम ले लेगा। तो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट पे क्लिक
क्लिक करेंगे दोस्तों, पहले क्या होता था कि पहले आपको स्किप का ऑप्शन दिख रहा है ऊपर, वो नहीं दिया जाता था। पहले आपको अगर आप प्रीमियम फीचर यूज़ कर रहे हो इसके, तो आपको ख़रीदना ही पड़ता था इसमें। लेकिन आप यहाँ पर स्किप करके यहाँ पर आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अब ट्रिक यहाँ पर स्टार्ट होगी हमारी, ठीक है। तो गाइस अब हम यहाँ पर ओपन करेंगे इनशॉट ऐप। दोस्तों इनशॉट ऐप ये प्रीमियम वर्जन है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम वीडियो को ओपन कर लेते हैं अपनी, जो हमने एक्सपोर्ट करा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधा के यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हो तो यहाँ पे काइनमास्टर का लोगो आ रहा है। दोस्तों हमारी वीडियो क्वालिटी भी यहाँ पे डिक्रीज़ नहीं होने वाली, क्योंकि दोनों वहाँ से काइनमास्टर से किया हमने 4K में एक्सपोर्ट किया। यहाँ आप 1080p में करोगे तो आपका रेजोल्यूशन बिल्कुल हाई पे रहेगा। तो आप ये एप्लीकेशन इनशॉट एप्लीकेशन भी, ये प्रीमियम है, इसमें भी आपकी जो वीडियो की इसमें क्वालिटी लोड बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर कैनवा पर जाएंगे, यहाँ पर 16:9 का रेशो मिल रहा है टिकटॉक वाला, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको सिंपली इसको हाई कर लेना है, ठीक है। आपको मैन्युअली भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हाई कर लेना है, टिक कर लेना। आप वीडियो क्वालिटी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप, मैं इसको प्ले करता हूँ, सॉरी पहले मैं वॉल्यूम को लो कर लेता हूँ। तो अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो हमारी जो क्वालिटी है वो वैसी की वैसी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली इसको सेव करके यहाँ पे 1080p में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज ये तो बात होगी जो हमारे 9:16 के रेशो में वीडियो बनाते हैं पोर्ट्रेट मोड में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं 16:9 के रेशो में, वो क्या करेंगे। दोस्तों उनके लिए थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा अलग प्रोसेस है। उनको क्या करना है, 1:1 का रेशो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ओके कर लेते हैं, यहाँ पे आपको आसानी होगी, ठीक है। 16:9 रेशो सेलेक्ट करोगे तो उसमें आपको मुश्किल हो सकती है। तो मैं यहाँ से अपनी कोई भी वीडियो ले लेता हूँ, जैसे कि ये वाली वीडियो ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऊपर हमारा वाटरमार्क आ रहा है, ठीक है। सो गाइस अगर आपको ये वाला काइनमास्टर चाहिए ना, तो इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको पहले जल्दी से क्रॉप कर लेते हैं फटाफट, इतनी काफ़ी है, थोड़ी लॉन्ग कर लेते हैं यार। तो ये वीडियो आ गई, ठीक है। ऊपर हमारा आपको काइनमास्टर का लोगो ऑब्वियसली दिख रहा है, वो सिंपली सेम प्रोसेस करना आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं एडिट करके नहीं बताने वाला आपको, सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, जल्दी से स्किप कर लेते हैं। सो गाइस हम वापस यहाँ पे इनशॉट में आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो में आएंगे, तो यहाँ पे हम वो वाली वीडियो को ले लेते हैं जिसमें भी हमने एडिट करी थी, ऊपर काइनमास्टर का लोगो आ रहा है। सिंपली आपको कैनवा पे क्लिक कर लेना है, तो यहाँ पे 16:9 का रेशियो सेलेक्ट करना है, वापस आपको हाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा लोगो है वो जा चुका है, और हमारी वीडियो क्वालिटी वैसी की वैसी रही है। हम इसको HD क्वालिटी में सेव कर सकते हैं, ठीक है। आई नो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है इस वीडियो से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, मुझे मैसेज कर देना, लेट ही सही रिप्लाई दूंगा और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करूंगा।